आप लोगों ने लूडो तो खेला ही होगा। ये गेम मुझे भी बहुत पसंद है, पर क्यों ना आज हम इससे कुछ नई चीजें सीखें। आज हम सीखेंगे लूडो की मदद से प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सीधा हमारे गेम में आते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर दो प्लेयर हैं हमारे पास, एक है येलो प्लेयर और एक है रेड प्लेयर। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो प्लेयर है उनमें कई सारी गोटियां अंदर पहुंच चुकी है और कुछ बाकी। अभी यहाँ आप ध्यान से देखें तो रेड प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ वन, यानी रेड प्लेयर को नंबर वन चाहिए टॉस करने पर, तो वो जीत जाएगा। पर येलो प्लेयर के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जीतने की। येलो प्लेयर के पास में नंबर वन चाहिए उसे, ठीक है, येलो प्लेयर को आप नंबर थ्री भी चाहिए जिससे वो शायद वो गेम जीत सके। प्लस उसकी एक गोटी तो काफी यहाँ दूर है जिससे उसको जीतने में बहुत चांस लगेगा। पर अल्टीमेटली हमने इसे समझा क्या, हमें इसमें से क्या समझना चाहिए, पहले वो बात करते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे फटाफट। यहाँ पर बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने बात करी, प्रोबेबिलिटी बेसिकली उन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है जिनके बारे में हमें पता है। जैसे इस लूडो के गेम में हमें पता है कि रेड प्लेयर जीतने की ज्यादा चांसेस है, येलो प्लेयर की जीतने की चांसेस कम है। ऐसा कैसे? हमें तो नहीं पता कि क्या टॉस करने पर आने वाला है आउटकम, हमें ये नहीं पता कौन सा नंबर आने वाला है, पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे हमारी थ्योरी की भाषा में रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो अगर उसको डेफिनेशन में बोलें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम आर नोन प्रीवियसली। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम तो हमें पहले से ही पता है पर क्या रिजल्ट आने वाला है वो हम कंफर्म नहीं कह सकते। अगर ऐसा कुछ इवेंट तो उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये लूडो का गेम भी ऐसा ही है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ है। क्या पता टॉस करने पर क्या नंबर आ जाए और कौन सा प्लेयर जीत जाए उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब आपको इतना ध्यान होगा कि लूडो खेलते वक्त हमारे पास एक डाई होता है जिसके अंदर नंबर होते हैं। जैसे या तो उसमें वन आता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सब नंबर हो सकते हैं, ये सब आउटकम हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डाई के अंदर। अब इनको क्या कहते हैं? अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में बोले तो जैसे हम गेम खेलते हैं उसके अंदर जो जो आउटकम आ सकते हैं, जो जो उसके अंदर डाई के नंबर आ सकते हैं, उन्हें कहा जाता है सैंपल स्पेस कहा जाएगा। तो यानी सारे के सारे अगर आउटकम को हम किसी जगह पे लिख दें जो आ सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये लूडो के गेम के अंदर, उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की कुछ साइन है, उसको हम यू या एस से डिनोट करते। जनरली तो यू ही यूज करा जाएगा, वो भी आप के अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं। यानी सैंपल स्पेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारे आउटकम आ जाए। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं हमारे गेम पे। चलिए तो हम हमारे गेम पर आ गए हैं। अगर हम इस तरीके से बोलें कि रेड प्लेयर जो है, आप लोगों का रेड प्लेयर जो है, अगर हम उससे बोले कि ये रेड प्लेयर है, उसको हम डिनोट करते हैं कि आर है, और येलो प्लेयर को हम वाई से डिनोट करते हैं। अगर हम देखें तो रेड प्लेयर को जीतने के चांस में क्या चाहिए? नंबर वन चाहिए। सिर्फ नंबर वन मिल जाएगा तो उसका तो काम हो गया, वो जीत जाएगा, विनर बन जाएगा। और येलो प्लेयर को वन चाहिए, थ्री चाहिए, और भी बहुत सारे आउटकम चाहिए, पर इस गिवन केस में उसको वन और थ्री चाहिए, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? तो हम उसे कहते हैं इवेंट्स। यानी बहुत सारे आउटकम के अंदर से, यानी जो डाई फेंकने पर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कोई सा भी इवेंट आ सकता है। कि रेड प्लेयर को क्या चाहिए? रेड प्लेयर को तो भाई नंबर वन चाहिए। नंबर वन अगर रेड प्लेयर के लिए आ गया तो वो तो जीत जाएगा। येलो प्लेयर को वन और थ्री दोनों चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया येलो प्लेयर के लिए जो अच्छा आउटकम है, फेवरेबल है, उसके लायक है, उसको जो चाहिए वो है वन और थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर यानी रेड प्लेयर के फायदे वाली चीजें हैं वो, और वाई जो वाई के फायदे वाले नंबर है जिसमें वो जीत सकते हैं, उसे हम कहते हैं इवेंट्स। ठीक है, यानी बहुत बड़े सैंपल स्पेस में जिस उसमें से एक इवेंट, एक ऐसी चीज जो हमारे प्लेयर को जिता देगी, जो उसके काम की है, अगर हम उसे कहें सब सेट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उसे कहा जाता है इवेंट। इतना हमें क्लियर हुआ। चलिए अब आगे समझते कुछ और बातें। इवेंट क्या होते हैं? कुछ टाइप के होते हैं। एक इवेंट हो सकता है, सर्टेन इवेंट हो सकता है। अभी सर्टेन इवेंट क्या है? सर्टेन इवेंट यानी जिसकी होने की 100% चांस है, पर अल्टीमेटली एक ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा उसे कहा जाता है सर्टेन इवेंट। उसका ही उल्टा भाई जो है वो है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट है जो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई चांस ही नहीं है कि वो हो जाए, उसे कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। हमारी जिंदगी में कई सारे ऐसे इवेंट होते हैं जो होना इम्पॉसिबल है। तो सर्टेन इवेंट क्या हुआ? जो होगा ही होगा उसका 100% चांसेस है, और इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जिसकी होने की कोई चांस ही नहीं। चलिए हमारे नेक्स्ट इवेंट पे आ जाते हैं जिसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। अभी इंटरसेक्शन है क्या? अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें रेड भी जीत सकता है, येलो भी जीत सकता है, उसके बारे में हम समझते हैं। चलिए अभी हमारे पास पता होगा कि जो रेड है
और येलो जो है हमने उनको डिनोट कर दिया इन सर्कल से वैन डायग्राम की मदद से। वैन डायग्राम प्रोबेबिलिटी को समझाने का सबसे आसान तरीका है, इससे कई चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी आसान हो जाती है। हमने बोला कि भैया ये जो लेफ्ट वाला जो सर्कल है वो है रेड वाले का, और व्हाइट वाला जो सर्कल है वो व्हाइट वाले का है। अब हम बात करें तो यानी रेड वाले को जीतने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप लोगों को वापस याद दिला देता हूँ। रेड वाले को जीतने के लिए चाहिए था नंबर 1, और येलो वाले को जीतने के लिए चाहिए था 1 और 3। अगर ये दोनों ही आ जाते तो जीत जाता येलो, यानी येलो की जीतने की चांस तो मैं ज्यादा लग रही है, और रेड के आने के लिए 1 नंबर चाहिए जिससे रेड जीत जाएगा। अल्टीमेटली अगर हम इसे वेन डायग्राम में ड्रॉ करें तो क्या मतलब है, वेन डायग्राम में एक खास बात समझो आपके, 1 और 1 दोनों को ही चाहिए, तो हम इसे यहां लिख सकते हैं बीच में, यानी दोनों ही सर्कल का इंटरसेक्शन, दोनों ही सर्कल में, दोनों ही इवेंट में कॉमन चीज है जो क्या है नंबर 1, यानी रेड नंबर 1 आने पर जीत जाएगा, येलो भी नंबर 1 आने पर जीत जाएगा, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं इसको बीच में लिख सकते हैं। पर येलो के लिए एक इवेंट और है, येलो के साथ में तो भाई नंबर 3 भी चलेगा जिससे वो जीत जाए, तो भाई वो एक इवेंट अलग हो गया। पर अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई रेड भी जीत जाए और येलो जीत जाए, एक ऐसा कॉमन इवेंट बताओ भैया हमें, तो वो है आपका इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। अगर हम उसे थियोरिटिकली लिखे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, रेड इंटरसेक्शन का साइन ऐसा उल्टे यू जैसा होता है, और वाई यहां पर इवेंट हो जाएगा 1, है ना, ये क्या हो जाएगा नंबर 1, एक ऐसा कॉमन इवेंट जिससे रेड भी जीत जाएगा वाई येलो भी जीत जाएगा, उसे कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हमें यही कहती है कि ऐसे दो इवेंट, ऐसे कोई दो एलिमेंट जो बोथ द इवेंट में कॉमन हो, उसके अंदर इंटरसेक्ट होते हो, तो हम उसे कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। चलिए क्लियर हुआ। अब आते हैं यूनियन, यूनियन ऑफ इवेंट क्या कहता है। जैसे हमने समझा रेड को जीतने के लिए चाहिए 1 और येलो को जीतने के चाहिए 1 और 3, तो ये हमें पता हो गया कि रेड के लिए 1 चाहिए, येलो को 1 और 3 चाहिए। अगर हम इसे वेन डायग्राम में लिखें तो रेड ये वाला हो गया, येलो ये वाला हो गया, और अल्टीमेटली यहाँ लिखेंगे 3, नंबर 3 चाहिए हमारे येलो को जीतने के। तो अल्टीमेटली इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, 1, यानी 1 एक ऐसा इवेंट जिसमें दोनों जीत जाएंगे। यूनियन ऑफ इवेंट का साइन हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, अगर आप देखें तो रेड और हमारा येलो इन दोनों को हम इंक्लूड कर देंगे, 1 आए तो भी रेड और येलो जीत जाएगा, 3 आएगा तो सिर्फ येलो जीतेगा, यानी एक ऐसा इवेंट जिससे या तो रेड जीते या तो येलो जीते या तो रेड और येलो दोनों ही जीत जाए, इस तरीके के इवेंट को, इस तरीके की चीज को कहते हैं हम लोग यूनियन ऑफ इवेंट। यानी इवेंट ए या इवेंट बी हो या वो दोनों साथ में हो जाए तो उसे कहा जाता है यूनियन ऑफ इवेंट। ये बात आपके दिमाग में आपको रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए हमारा अब गेम थोड़ा आगे बढ़ गया है, इसके अंदर कुछ नए प्लेयर ऐड हो गए हैं। अभी हमने समझा था रेड और येलो को, पर अब हमारे पास आ गया ए बी सी, 3 प्लेयर आ गए। भाई 3 प्लेयर का खेल कैसा होगा वो समझते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे एग्जॉस्ट इवेंट के बारे में इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। सबसे पहले समझते हैं कि भाई ए को क्या चाहिए, भाई ए को नंबर चाहिए 1 और 2, बी को जीतने के लिए चाहिए 3 और 4, और सी को जीतने के लिए चाहिए डाई पे 5 और 6। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो सबको अपने हिसाब से कुछ अलग अलग इवेंट चाहिए। पर अगर हम ऐसा कहें कि भाई ए भी जीत जाए, बी भी जीत जाए, सी भी जीत जाए, ऐसा कौन सा इवेंट होगा, ऐसा कब होगा जब ये तीनों ही जीत जाए गेम में, उस इवेंट को हम कहेंगे यहाँ पर यूनियन। ये तो हमने अभी पढ़ा यूनियन, अगर हम उसे लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। और उस इवेंट में आएगा क्या, क्योंकि यूनियन हमने समझा कि सबके सब इवेंट उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ए वाले इवेंट इंक्लूड हो जाएंगे 1 और 2, बी वाले इवेंट इंक्लूड हो जाएंगे 3 और 4, सी का इवेंट क्या चाहिए भैया 5 और 6, तो ये सभी इवेंट इंक्लूड हो गए। पर एक यूनिक बात हो गई, क्योंकि हमारे जो डाई था, हमारा जो सैंपल स्पेस था, उसमें कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो गोटी होती है लूडो की उसे हम फेंकते हैं तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो कोई इवेंट आते नहीं है। तो अनोखी बात यह हो गई कि इन तीनों का यूनियन जो हुआ वो यू, यानी हमारे सैंपल स्पेस के बराबर हो गया, जितने पॉसिबल आउटकम थे वो सब इसके यूनियन में आ गए, तो उसे कहा जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर हुआ पॉइंट, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब हुआ सभी इवेंट का यूनियन करने पर वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो ये 1 2 और यह 3 4 और यह सी का 5 और 6, तो ये सबके सब इंक्लूड हो गए, देखें आप एक ही बॉक्स के अंदर, तो इसे कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट।
अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होता है भाई, जब दोनों को रिलेशन ही नहीं है। यहां पर अगर हम दो प्लेयर की बात करें भाई, एक प्लेयर है ए एक प्लेयर है बी, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ए जो है उसको जीतने के लिए 5 और 3 चाहिए और बी है उसको जीतने के लिए 1 और 6 चाहिए। दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। अगर हम इसे वेन डायग्राम में लिखें तो भाई ए के लिए क्या चाहिए 5 और 3 और बी के लिए क्या चाहिए 1 और 6। दोनों के बीच में कोई इवेंट कॉमन आता है? नहीं आता। दोनों के बीच में कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई दोनों ही जीत जाए किसी केस में? ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस केस को कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता, कोई कॉमन इवेंट आउटकम नहीं आता। दो अलग अलग इवेंट के अंदर कॉमन आउटकम नहीं आता तो हम उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डिफरेंस इवेंट की। भाई डिफरेंस इवेंट जैसा इसके नाम से है, वो भेदभाव करता है। वो बोलता है कि भाई एक ही प्लेयर जीते, ए ए ही जीते या सिर्फ बी बी ही जीते, तो हम उसे कह सकते हैं डिफरेंस इवेंट। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए को जीतने के लिए कुछ इवेंट्स चाहिए, जैसे हमने पहले देखा था 1, 3 और 5। अगर ये आ जाता है तो ए जीत जाएगा। और बी को जीतने के लिए चाहिए हमारे पास 1 चाहिए 5 चाहिए पर उसको 4 चाहिए। इस तरीके के कुछ इवेंट बी को चाहिए। अगर हम बात करें कि भाई मुझे ए ए को ही जिताना है, भाई बी को मुझे जिताना नहीं, मुझे तो चाहिए ए वाला जीत जाए। ऐसी गोटी डालो, ऐसा नंबर डालो जिससे ए जीत जाए, तो भाई ऐसा क्या होगा? उस चीज को कहेंगे डिफरेंस इवेंट। इसको किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, अगर वेन डायग्राम में लिखें हम, तो देखो यहाँ पर जो कुछ कॉमन इवेंट है वो बीच में आ जाएंगे 1 और 5। देखो 1 और 5 जो है वो दोनों में ही कॉमन है, ए और बी दोनों में ही कॉमन है। इवेंट 4 जो है वो ऐसा है बस कि वो आता है हमारे बी में, और इवेंट 3 है जो सिर्फ और सिर्फ ए में आता है। ये बात हमने समझ ली। अब अगर हम इसको और समझे ध्यान से कि डिफरेंस इवेंट क्या बोलता है, तो डिफरेंस इवेंट बोलता है ए माइनस बी या ए डैश बी भी बोल सकते हैं। माइनस बोलोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर हम इससे बोलें डिफरेंस इवेंट ए माइनस बी, तो ये क्या कहता है, यानी ए के अंदर से वो चीजें निकाल दो जो बी की है, ए के अंदर से वो चीजों को निकाल दो जो बी से रिलेट करती है, तो हमारे पास ए का डिफरेंस इवेंट आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। अगर हम इसे लिखें तो क्या हो सकता है भाई, ए के अंदर ऐसी कौन सी चीजें जो बी में भी आती है? तो मैंने बताया आपको 1 है तो 1 लिख नहीं सकते, 3 ऐसा नंबर है जो सिर्फ ए में आता है जो बी में नहीं आता तो हम लिख सकते हैं 3। अब 5 ऐसा नंबर है जो बी में भी आता है ए में भी आता है तो वो नहीं लिख सकते। अल्टीमेटली इसका आंसर जो आ जाएगा क्या होगा, ए डैश बी, यानी नंबर 3 आने पर, नंबर 3 आने पर ए ही जीतेगा। इस हिसाब से इसको कहा हमने डिफरेंस इवेंट। डिफरेंस इवेंट का मतलब यही हुआ कि ऐसा इवेंट जो कॉमन हो उसे एक पर्टिकुलर इवेंट में से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे डिफरेंस इवेंट कहा जाएगा। यानी इस केस में ए और बी में जो कॉमन नंबर है वो निकाल देंगे, यानी ए में से बी को माइनस कर देंगे, ए में से बी के इवेंट्स को माइनस कर देंगे, तो उसे कहा जाएगा डिफरेंस इवेंट। वैसा ही केस हम उल्टा भी कर सकते हैं, बी माइनस ए भी कर सकते हैं, जो इसी केस में होगा। हम चाहते हैं भाई बी ही जीते, ए तो नहीं जीतना चाहिए। अभी आपको ये वीडियो पॉज करना है और आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये बी माइनस ए के अंदर कौन सा इवेंट आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो फटाफट आप आंसर लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने लिखा बहुत बढ़िया बात है। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा कौन सा इवेंट आएगा, वो आएगा सिंपल है इवेंट 4। क्यों भाई, इवेंट 1 और 1 दोनों में कॉमन आता है, 3 नहीं आता, 3 इससे मतलब नहीं है, 5 और 5 दोनों में कॉमन आता है। एक इकलौता इवेंट है 4 जो कि बी में आता है, ए में नहीं आता, है ना। बी माइनस ए करें अगर हम तो कॉमन वाले निकाल देने, तो एक ही इवेंट है बी के अंदर नंबर 4 जो ए में नहीं आता, ए वाले इवेंट माइनस कर देते हैं तो वो आ जाता है बी माइनस ए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, ये भी कुछ डिफरेंस इवेंट जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग टॉपिक। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए है उसके अंदर आ जाता है 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 जो आता है ए में आता है। अभी हम लूडो का गेम ही कर रहे हैं, तो लूडो में डाय अगर हमने फेंका तो भाई डाय फेंकने पे क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब आ सकते हैं। पर अब मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए भाई कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश चाहिए, ए डैश जो ए के ऊपर हाइफन अगर हम लगा दें तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ए चाहिए, यानी ऐसा इवेंट
जिसमें ए के अलावा बाकी सब कुछ आ जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। तो वो कौन से इवेंट है? तो ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, ए में आता है वन, वो इसमें नहीं चाहिए। ए में आता है फाइव, वो इसमें नहीं चाहिए। वन और फाइव के अलावा जो सब बचे हुए इवेंट्स हैं वो हमें इसमें लिख देना है। क्या क्या हो सकते हैं भाई? वो है टू, थ्री, फोर और सिक्स। टू, थ्री, फोर, सिक्स ऐसे इवेंट है जो ए में नहीं आते हैं, यानी ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको बोल सकते हैं हम लोग ए डैश। क्लियर हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है कि जो इवेंट है उसके अलावा जितने भी बची हुई चीजें आउटकम्स, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के अंदर आ जाती है। और हमारा लास्ट टॉपिक है प्राइमरी इवेंट। अभी प्राइमरी इवेंट क्या बताता है भाई? प्राइमरी इवेंट आपको यह बताता है कि अगर आपका इवेंट में एक ही आउटकम आता है तो उसे हम प्राइमरी इवेंट कह सकते हैं, कि भाई ये इवेंट का एक ही आउटकम है। जैसे अगर हमने बात करी कि अगर ए को जीतने की चांस है वन आने पर ये जीतेगा, तो ये एक प्राइमरी इवेंट हुआ कि सिर्फ वन आएगा तो ए जीतेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर बी है वो तब जीतेगा जब नंबर फाइव आ जाएगा, तो ये भी एक प्राइमरी इवेंट हो गया। प्राइमरी इवेंट का मतलब, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब कि एक आउटकम जिस इवेंट के अंदर होगा उसे हम प्राइमरी या एलिमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं। तो प्राइमरी इवेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है। ये क्या है भाई कि प्राइमरी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट पहले समझे, इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। तो प्राइमरी इवेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास दो ही प्लेयर है खेलने वाले, ए है और बी है। ए को जीतने के लिए चाहिए वन, बी को जीतने के लिए चाहिए फाइव। तो इन दोनों इवेंट के अलावा हमें और कोई इवेंट नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से ए और बी को साथ में लेकर अगर आ गए हम, यानी ए यूनियन बी कर लिया, तो क्या आएगा? वन और फाइव, ये इवेंट चाहिए। ये दो इवेंट है, इन दोनों प्लेयर को इससे ही मतलब है। तो ये हो गया हमारे यू के बराबर, यानी इस दोनों के अलावा कोई इवेंट आने वाले नहीं है, और इन दोनों के आने पर ये ए और बी जीत जाएंगे। और अगर हम बात करें इम्पॉसिबल इवेंट की या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की, तो ए और बी का अगर इंटरसेक्शन करें हम, तो उसका नंबर आएगा, आंसर आएगा फाइव, नल इफेक्ट। यानी इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। वन और फाइव में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है। तो आज हमने सीखा लूडो की मदद से प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आपको इसी तरीके के इनोवेटिव तरीके से पढ़ना पसंद आता है तो आप जरूर हमें ये लिख के बताइए और हमारे वीडियो को आगे शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय।